अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सबमिट असाइनमेंट यूजिंग एमएस टीम। उसके लिए आपने सबसे पहले अपने कोर्स को ओपन करना है और फिर आप ये जर्नल पे क्लिक करेंगे चैनल के लिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, टीचर जो भी असाइनमेंट क्रिएट करता है वो आपके पास या पोस्ट में शो हो रहा होता है, उसकी ड्यू डेट और ये कब अपडेट की गई थी, ये क्रिएट की गई थी। उस असाइनमेंट को व्यू करने के लिए आप यहाँ पर व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट आपके पास व्यू हो जाएगी। अच्छा, सेकंड आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर असाइनमेंट्स पे क्लिक करें और आपके पास जितनी भी करंटली एक्टिव असाइनमेंट होंगी जो आपको असाइन है वो आपको विजिबल होंगी। तो आप इस पर क्लिक करेंगे जिस असाइनमेंट को आप ओपन करना चाह रहे हैं और इसकी यहाँ पर ये ड्यू डेट भी शो हो रही होगी। अपने असाइनमेंट पे क्लिक किया, ये आपके पास असाइनमेंट की सारी कंप्लीट डिटेल विजिबल हो जाएगी, उसके पॉइंट यानी मार्क्स कितने हैं, अगर टीचर ने कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो वो आपको विजिबल होंगी, उसकी डेट और उस असाइनमेंट का टाइटल। तो आप अकॉर्डिंग टू टीचर की इंस्ट्रक्शन की अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे और देन जो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है उस असाइनमेंट को सबमिट करना, ताकि वो आप टीचर को टर्न इन कर सकें या रिटर्न कर सकें। तो डेफिनेटली आप कोई फाइल प्रिपेयर करेंगे, वो कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, कोई आर्टिकल प्रिपेयर करने के लिए हो सकता है, कोई इमेजेस आपको दिया जा सकते हैं। तो ये प्रिपेयर करने के बाद आप उसे टीचर के साथ शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि आपने वो असाइनमेंट ओपन कर ली, अब उस असाइनमेंट में आप टीचर को कोई फाइल सबमिट करना चाह रहे हैं या टर्न इन करना चाह रहे हैं असाइनमेंट, तो वो कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले ये यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट है ये आपके पास डिस्प्ले हो रहा है अटैच, आपने अटैच पे क्लिक करना है। अगर तो आप कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है और उसे जस्ट आपने अटैच करना है तो आपने फिर अटैच पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अटैच पे क्लिक किया। अच्छा, इसमें अगर तो क्लाउड पे कोई फाइल स्टोर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, या ऑलरेडी टीम पे अवेलेबल हो तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कि ऑलरेडी कंप्यूटर पे पिक्चर एक सेव है उसे मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ एज ए असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करना चाह रहा हूँ। तो अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैंने पिक्चर का फोल्डर सेलेक्ट किया। वो आपकी आपने ये इंश्योर करना है कि आप फाइल जो अपलोड करना चाह रहे हैं वो जिस भी लोकेशन पे आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो वहाँ से आपने वो फाइल सिलेक्ट करनी है। आपने सिलेक्ट की फाइल को, ये देखिए ये यहाँ पर ये अब अपलोड, जैसे वो अपलोडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपने ये इसे कंप्लीट सबमिट करने के लिए आपने टर्न इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टर्न इन करेंगे आपकी ये असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। टीचर टर्न इन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे, ये आप देखें ये असाइनमेंट आपकी सबमिट होगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आप असाइनमेंट को सबमिट कर देंगे, असाइनमेंट सबमिट होने के बाद आपके पास असाइनमेंट टैब है, कोई असाइनमेंट अवेलेबल नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आ रहा है कि नथिंग लेफ्ट टू टर्न इन, तो अगर आपके पास कोई असाइन आपकी टास्क पेंडिंग नहीं होगी उस कोर्स में तो ये आपको ब्लैंक अपेयर होगा। और थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का।